फंड की शुरुआत हुई है सर, कैसा क्या कुछ रहेगा इसमें, कैसे कारोबार रहेगा, कैसे ऑक्सीजन? उसमें हमने डिटेल आपको कल दे दी है वैसे तो, लेकिन काफ़ी रिलैक्सेशन, एक तो कर्फ्यू आज में जो है वो रिलैक्सेशन हमने बढ़ाई है, दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की है और फुल इसके साथ की कि भी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में कठिनाई ना हो। ऑक्यूपेंसी हमने 60% उसमें रखी है और उसके साथ साथ में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो पास की व्यवस्था पहले रहती थी उस व्यवस्था को भी हमने समाप्त कर दिया है। अब सभी लोग जो है प्रदेश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। टूरिज़्म के होटल और टूरिज़्म के साथ प्राइवेट होटल्स अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट के लिए नहीं खोले हैं, लेकिन जो हिमाचल का आदमी है, हिमाचल का रहने वाला, चंबा से शिमला आ रहा है, होटल में उसको रुकना है तो उसको रुकने की उसमें इजाज़त उसमें होगी। और उसके बाद जो बाहर से आएंगे, दूसरी स्टेट से आएंगे, पर्टिकुलरली ऐसे जोन से आएंगे जो रेड हॉट जोन हैं अभी तक भी, तो ऐसे वहाँ पर हमने तय किया कि वहाँ के लोगों को जो है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करने की व्यवस्था रखेंगे। बाकी जो है क्योंकि नंबर ज़्यादा आएगा तो उनको होम क्वारंटीन की व्यवस्था उस प्रकार से करेंगे। तीसरी बात, और जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन की हम व्यवस्था जो मदद करते थे उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने कहा कि हमने बहुत सारे लोगों को, हम कोटा से भी लाए, गोवा से भी लाए, ट्रेन से बेंगलोर से लाए, मुंबई से लाए, अहमदाबाद से लाए, सब जगह से लाए हैं, दिल्ली से भी लाए। और ऐसी सूरत में अब जो है रूटीन व्यवस्था पूरे देश भर में जो है ट्रांसपोर्ट की जो है वो लगभग खुल गई है, ट्रेनें खुल गई, दूसरी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। ऐसे में अलग से व्यवस्था अब हम नहीं करेंगे, जिनको आना है वो अपनी व्यवस्था के अनुसार आए और व्यवस्था के अनुसार आने के बाद जो है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के बाद, उनको स्टेट में एंटर होने के बाद जो है हिमाचल के इसमें जो है पास की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप चलना पड़ेगा। जहां आवश्यक होगा वहां हमको लगेगा कि यहां पर जो है इनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करना है तो वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेंगे। सर, इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर मंदिरों के लिए हमने कहा 8 तारीख के बाद शुरू करेंगे, इसके लिए हमने SOP बनाने के लिए बोल दिया है और वो बनकर के तैयार होगा। और उसमें अभी मुझे लगता है कि शुरू के दौर में कोई बहुत कठिनाई नहीं, क्योंकि अभी लोग थोड़ा धीरे 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 बाहर निकल रहे हैं, बड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन सारी चीज़ों को लेकर के सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। सर, इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर अब किस तरह से आगे बढ़ेगी सरकार, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं आज से कह सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लेकर के देखिए, एक तो हमारे कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई है और दूसरे उसके साथ साथ में हमारे जो एक टास्क फोर्स बनी है उनकी रिकमेंडेशंस का थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ के काम करेंगे। सर, एक बड़ा रिशफल हुआ जिसको लंबे से माना भी जा रहा है, बड़ा रिशफल होना, क्या क्या मकसद, क्या संदेश है? देखिए, रिशफल रूटीन का है, मुझे नहीं लगता कि बड़ा रिशफल है उसमें। और ये आप मान करके चलिए कोविड के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ, ये एक्सपेक्टेड था। आफ्टर बजट सेशन जनरली कुछ एक डिपार्टमेंट की चेंजेस होती हैं, कुछ एक अधिकारियों की रिटायरमेंट्स हुई हैं, कुछ एक अधिकारी की जो है वो जो है कुछ उनकी डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस होनी थी वो हुई है। सर, क्या कहेंगे आप जी, निश्चित रूप से अनुभवी हैं दोनों और उम्मीद करते हैं कि उनके अनुभव से जो है वो बेहतर काम होगा। सर, भाजपा में नए अध्यक्ष की ताजपोशी कब होगी, क्या कार्यकारी अध्यक्ष शुरू में जब होगी तो ये थे, थैंक यू, ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी जो मीडिया पर्सन का जवाब दे रहे थे। सुरेंद्र सिंह राणा सचिवालय से, देखते रहिए नेशन न्यूज़।